हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में महिलाओं को बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया है। लेकिन फिर भी महीने के कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब इसे अपवित्र माना जाता है, और उन दिनों अगर कोई चीज उनके द्वारा छू ली जाए तो वह भी अपवित्र मानी जाती है। अगर हम रोज हाथ से बने खाने का स्वाद चखें तो महीने के 2-3 दिन उनके हाथों को अछूत क्यों माना जाता है? मन में अक्सर ये सवाल उठता है कि आखिर महिलाओं को हर महीने ये शारीरिक दर्द क्यों सहना पड़ता है? आखिर क्या कारण है? एक ओर जहाँ विज्ञान महिलाओं के साथ इस समस्या को सामान्य बताता है, वहीं दूसरी ओर शास्त्रों में महिलाओं की कमजोरी का वर्णन करता है। तो आइए, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर ये दर्द सिर्फ महिलाओं को ही क्यों झेलना पड़ता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिलाओं की इस समस्या के लिए देवराज इंद्र जिम्मेदार है। कहा जाता है कि उन्होंने महिलाओं को मासिक धर्म के लिए खुद को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त करने के लिए श्राप दिया था। इसके पीछे की पूरी कहानी कुछ इस प्रकार है। भागवत पुराण के अनुसार गुरु बृहस्पति एक बार देवराज इंद्र से नाराज हो गए, जिन्होंने देवलोक पर अधिकार करने के लिए असुरों का फायदा उठाया था। तब सभी देवता अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। उन्हें जहाँ जहाँ जगह मिली वे वहाँ जाकर छिप गए, और जब इंद्रदेव की जान को खतरा था तो वे भी अपनी गद्दी छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भागे और ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उनसे मदद मांगने लगे। इंद्रदेव की ये स्थिति देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें एक सलाह दी। उन्होंने कहा कि इंद्रदेव, यदि आप अपने जीवन को बचाना चाहते हैं और अपने सिंहासन को असुरों के हाथों से मुक्त करना चाहते हैं, तो आपको एक धर्मशास्त्री की सेवा करनी होगी। यदि आप उन्हें अपनी सेवा से खुश करते हैं तो आप स्वर्ग में वापस आ जाएंगे। इंद्रदेव ना चाहते हुए भी एक धर्मशास्त्री की सेवा करने के लिए उत्सुक हो गए। लेकिन इंद्रदेव इस बात से अनजान थे कि वे जिसकी सेवा कर रहे थे वह धर्मशास्त्रियों के परिवार से था। उनकी माता एक राक्षस थी, जिससे धर्मशास्त्री के मन में असुरों के प्रति अधिक भावनाएं थी। असुरों के प्रति अपनी भावनाओं के कारण वह देवताओं के स्थान पर ज्ञानी इंद्रदेव की समस्त हवन सामग्री असुरों को अर्पित कर देता था। जब इंद्रदेव को इस बात का पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर धर्मशास्त्री की हत्या कर दी, जिससे उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा। अब उन्हें सजा मिलनी तो स्वाभाविक थी। देवलोक पहले से ही असुरों के हाथ में था, जीव भी खतरे में थे। अब ऊपर से ब्रह्म हत्या का पाप लगने लगा। इंद्रदेव इतना घबरा गए कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। जब वे भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे तो भगवान विष्णु ने उन्हें सलाह दी और कहा कि आपको उनके लिए वृक्ष, भूमि, जल और स्त्री में अपने छोटे से पाप को साझा करना होगा, साथ ही सभी को एक वरदान भी देना होगा। भगवान विष्णु के अनुसार इंद्रदेव पहले पेड़ के पास गए और उनसे अपने कुछ पापों को लेने के लिए कहा। वृक्ष ने तब इंद्रदेव के 1/4 पाप को स्वीकार कर लिया, जिसके बदले में इंद्र ने वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि वृक्ष मृत्यु के बाद भी स्वयं को पुनर्जीवित करने में सक्षम होगा। फिर इंद्र के अनुरोध पर पानी ने कुछ पापों को ले लिया और बदले में इंद्र ने उन्हें आशीर्वाद के रूप में अन्य चीजों को पवित्र करने की शक्ति दी। यही कारण है कि हिंदू धर्म में पानी को पवित्र माना जाता है और पूजा पाठ में इसका उपयोग किया जाता है। उसी तरह भूमि ने भी इंद्रदेव के पाप का कुछ हिस्सा स्वीकार कर लिया। बदले में इंद्रदेव ने भूमि को आशीर्वाद दिया कि उसे लगी चोट अपने आप ठीक हो जाएगी। अंत में इंद्रदेव एक महिला के पास पहुँचे और उसे अपने पाप में भाग लेने के लिए कहा। तब महिला ने चंद्रदेव के पाप का शेष भाग अपने ऊपर ले लिया और तभी से हर महीने महिलाओं को मासिक धर्म में ऐंठन का सामना करना पड़ता है। बदले में इंद्रदेव ने महिलाओं को आशीर्वाद दिया कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में काम का अधिक आनंद ले सकेंगी, और तभी से सभी महिलाएं मासिक धर्म के रूप में ब्रह्म हत्या के पाप से पीड़ित हैं। इसी कारणवश महिलाओं को हर महीने मासिक धर्म में ऐंठन का सामना करना पड़ता है। तो दर्शकों, आज का सवाल आपके लिए ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी?